मेवात क्षेत्र के पुराना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गांजा पत्ती के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुराना थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देकर चार आरोपियों को लगभग 13 किलो गांजा पत्ती के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लाया जाएगा। प्रबंधक थाना पुनाना निरीक्षक नरेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव सिंगल हेड़ी में दबिश देकर आरोपी आसिक असद उर्फ असगर सैकुल व आसिफ पुत्रान अब्दुल हमीद निवासियान सिंगल हेड़ी को 12 किलो 650 ग्राम गांजा पत्ती सहित काबू किया है। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि सहायक उप निरीक्षक कमल अपनी टीम के 7 अगस्त में लहरवाड़ी बस स्टैंड पर हाजिर था। उसी समय गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आसिक असगर सैकुल व आसिफ पुत्रान अब्दुल हमीद निवासियान सिंगल हेड़ी थाना पुनहाना अवैध रूप से गांजा पत्ती बेचने का धंधा करते हैं। आज भी अपने मकान में कमरे में गांजा पत्ती को रखकर बेच रहे हैं। जिस सूचना पर टीम ने मौके पर दबिश दी और मौके से आरोपी आसिक असगर सैकुल व आसिफ उपरोक्त को काबू करके उनके मकान के कमरे में चारपाई के नीचे से एक सफ़ेद पन्नी में रखे 12 किलो 650 ग्राम गांजा पत्ती को बरामद कर लिया गया। पुलिस ने नियम अनुसार गांजा पत्ती को कब्जा पुलिस में लेकर थाना पुनहाने में उपरोक्त सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों को मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों को आज अदालत में पेश करके पूछताछ करने के लिए पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं पुनहाना से राजीव प्रजापति की रिपोर्ट। गिरफ्तार किया है, हमने कल सूचना मिली थी, जो हम ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ सिंगल हेड़ी में मकान है अरसद के घर छापा मारा, जिसमें तलाशी में 16 किलो 650 ग्राम गांजा पत्ती मिला है, जिनको चारों को गिरफ्तार कर दिया। आज पेश दल कल पेश दल किया गया। सर बताओगे, ये उड़ीसा से लाते थे और यहाँ लोकल में बेचते थे। अभी सर हाँ, जो था वो सारा गांजा बरामद कर दिया, जो 4 किलो है इन्होंने जो परचून में दे दिया है। तो अभी लोकल हाँ, बेका हुआ है इन्होंने, लोकल में बेका हुआ है, तो उसकी भी सर जानकारी उसकी जांच है। ये कहते हैं मेरी रात चलते हैं, वो बेच दिया हमने, यानी परचून के हिसाब से।